पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने और जीत हासिल करने पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। भाजपा कार्यालय पर आयोजित जश्न में भाजपाइयों ने सबसे पहले गोष्ठी का आयोजन किया, उसके बाद ढोल नगाड़े बजाते हुए जमकर थिर गए। भाजपाइयों ने द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि देश के भविष्य को आगे ले जाने का काम भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मिठाई खिलाकर भाजपा के सर्वोच्च पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ही सबका हित समाहित है और भाजपा ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जनता का भला किया है। इसका परिणाम है कि द्रौपदी मुर्मू को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर ये सिद्ध कर दिया है कि भाजपा के परिवार में वार्ड स्तर के कार्यकर्ता की भी सुनी जाती है और उसका सम्मान निश्चित है। आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन हुआ है, उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर कार्यालय पे समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में आदिवासी समाज से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जो महामहिम बनाने का काम किया है, इस संबंध में तमाम ही दलित समाज, तमाम ही पिछड़ा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एकत्रित होकर बहुत बड़ी संख्या में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामनाएं और एक अपेक्षा कि द्रौपदी मुर्मू जो देश की प्रथम नागरिक बनी है, देश की राष्ट्रपति बनी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उस सपने को जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया है, इस संबंध में इकट्ठे होकर सब लोगों ने हर्षोल्लास से मिठाई वितरण का कार्य किया। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पे जो पूर्व में 20 साल 30 साल पूर्व में जो आरोप लगते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल सवर्णों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के हर उस नागरिक की पार्टी है जिसे उसे उसका राजनीतिक और सामाजिक हक नहीं मिला। जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीति में प्रभाव में आई है, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ऐतिहासिक फैसले लगातार होते चले जा रहे हैं, ऐतिहासिक कार्य लगातार होते चले जा रहे हैं और आज उसी कड़ी में एक नया ऐतिहासिक आयाम हमारे जीवन में जुड़ा है। एक आदिवासी महिला जिसके विषय में केवल हमने पूर्व में नक्सलियों के नाम से हम जानते थे, आदिवासी महिलाओं के शोषण के नाम पे हमें सुनने मिलता था, लेकिन देश की प्रथम नागरिक बनाकर आदिवासी और दलित समाज को सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम उनका हृदय से बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और सदैव उनके आभारी रहेंगे। पब्लिक टीवी
आपकी आवाज़।